हनुमान चौराहे पर बीती रात एक एएसआई ने सरेराह दबंगियाई दिखाई। बात इतनी भी नहीं थी कि खाकी का रौब दिखाने की जरूरत होती, लेकिन सिविल वर्दी में एएसआई ना सिर्फ एक ड्राइवर बल्कि चालक का पक्ष रखने पहुंचे एक वकील और कुछ राहगीरों से भी उलझ पड़े। हालत ये हो गए थे कि दरोगा बदसुलूकी और गाली गलौज करने पर आमादा हो गए। ड्राइवर की खता केवल इतनी थी कि उसकी गाड़ी आगे चल रही थी, एएसआई के वाहन की स्टेपी से टच भर हो गई थी। फिर क्या था, तैश में आए दरोगा अपना आपा खो बैठे। बेकसूर ड्राइवर पर तो दरोगा का गुस्सा फूटा ही, एक वकील साहब पर भी एएसआई नाहक ही पिल पड़े। सूचना मिलने के बाद एएसआई पूजा गुरैया मौके पर पहुंच गई। बात कहीं बिगड़ ना जाए लिहाजा उसे संभालने के लिए कोटवाली त्रियाई भी दलबल के साथ वहां पहुंच गए। इस बीच वकील साहब ने अपने सम्मान पर बात आने की के बाद सड़क पर ही एएसआई के साथ तूतू मैं करने लगे। ये ड्रामा यहाँ काफी देर तक चलता रहा। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि गाड़ी में बैठे एएसआई किस तरह से अपनी वर्दी का गलत इस्तेमाल कर अपने पद का रसूख झाड़ रहे हैं। ये एएसआई हैं विजय चौहान, जिन्होंने गाड़ी के हल्के से टच पर हो जाने पर चालक को गाड़ी में धकियाते हुए ऐसे बैठा दिया जैसे उसने बहुत बड़ा जुर्म किया हो। ड्राइवर की इस छोटी सी गलती पर जब हनुमान चौराहे पर खड़े एक वकील और सामाजिक कार्यकर्ता ने इस मामले पर बेकसूर चालक का पक्ष रखा तो एएसआई चालक के साथ अभिभाषक के साथ भी बदसलूकी करने पर आमादा हो गए। सवाल जब अपनी प्रतिष्ठा का आया तो अभिभाषक भी नाराजगी फूट पड़ी। काफी देर तक ड्रामा हनुमान चौराहे पर चलता रहा। सूचना मिलने के बाद थाना प्रभारी कोतवाली एवं महिला एएसआई भी मामले में दखल देकर उसे शांत कराने में लग गई, लेकिन एएसआई विजय चौहान की वर्दी का रौब कम नहीं हुआ। आखिर में वे ड्राइवर को जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बैठाकर वहां से रवाना होने की तैयारी में थे, लेकिन भीड़ के चलते वे उसे ले जा नहीं पाए। तो गड्ढा पर क्यों ले जा रहा है इनको? अरे तू दादागिरी मत कर दादा, गांव में तो तेरी पे मिला खेत मुटा के ले जा रहा है। अरे नाराज हो, अरे भाई साहब नाराज हो, ये क्या ऐसा बोल रहा है? नहीं आप क्यों ना, चलो उतरो, तुम तो उतरो मेरा यार। बाहर आ जा जो वकील साहब है, मैं मीडिया से हूँ भाई साहब, भाई साहब हम आला भी है, उठा के ले गए हम का पड़े हम का आला भी खड़े रहो, नहीं खड़े रहो कोई दिक्कत नहीं मेरा। अरे खड़े रहो, खड़े रहो, क्या कह रहे हैं आप, क्या देख रहे हो? हां तो रुको समझे, हां ये काय काय चीज है, नहीं क्या कह रहे हैं मतलब, क्या हो गया मैं, नहीं क्या कह रहे हैं, रंडियां चल रही है, गालियां बक रहा है यहां, भीड़ लगा क्या मतलब, हम क्या कह रहे हैं, अरे इधर आ, हमारा काम हमने बट देखो तेरा बाप भी रोड़ के कह रहा है, हां तो बात मत करो, हां समझ गया ना, ड्राइवर निकल गया भाई जो वो वाली गाड़ी, हम आपसे कुछ बात नहीं कर रहे ना, आपसे हमें लेन देना, मुझे कह रहे भीड़ मत लगा हुआ, गाड़ी वाला हवाई गाड़ी खड़ी तुम्हारे पीछे थी, पीछे आके तुमने टक्कर मारी, फोन भैया आ रहे हैं मेरे करा, चलो यार।